हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएफ मेंबर पोर्टल पे एक लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो हमें पहले पूरी जानकारी नहीं मिलती थी, अब उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो तक आप अंत तक जरूर बने रहें। अगर अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिलते रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप जो आपको पीएफ मेंबर पोर्टल पे जाओगे तो हमारे पास एक जो किसी एम्प्लॉय की डेथ इन सर्विस या डेथ हो जाती है तो उसका एक ऑप्शन दे रखा था ऑनलाइन डेथ क्लेम फाइलिंग बाय बेनिफिशियरी। तो इसका ऑप्शन हमें पता था कि इसका ऑप्शन है, इसका ऑनलाइन पोर्टल वो एक्सेस कर पाएगा जिसका हम किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई और उसका नॉमिनी ही उसका ऐड हो। तो उसका जो नॉमिनी था वो फॉर्म फिल करता था 10D 25F। जो 10D का होता है वो पेंशन फॉर्म होता है, 20 का होता है जो पीएफ में जो पैसा है उसका वो निकालने के लिए, 5 होता है उसका EDLI का बेनिफिट इंसुरेंस, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, जो अभी मैक्सिमम लिमिट है 7 लाख तक आपका उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो उसका आपको पता था कि उसके जो भी नॉमिनी है उसका आपके पास CO नंबर होना चाहिए, उसका आधार नंबर और जो भी नॉमिनी था उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको डाल के प्रोसेस करते, ये वही एक्सेस कर पाता था जिसका नॉमिनी ऐड था और जो एम्प्लॉय डेथ हो गई। तो भी इससे पहले हमारे पास इसके बाद में कोई जानकारी नहीं थी। अब नया इन्होंने नया अपडेट दिया कि इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया कि अब आप इसके माध्यम से क्या क्या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी। तो ये नया अपडेट है। तो आपको इस पर देखो साइड में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंस्ट्रक्शन के नाम से, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपको मैं इसमें वन बाई वन आपको पढ़ के बताऊंगा। तो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिंग इंटरेस्ट शुड बी एज पर EPF रिकॉर्ड, UN का मेंबर होना चाहिए और बेनिफिशियरी का आधार नाम डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर्ड बाई मेंबर ऑफ ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ इनोमिनेशन। जो भी बेनिफिशियरी है उसका इनोमिनेशन फाइल होना चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका आधार कार्ड और नाम उसके पास होना चाहिए। बेनिफिशियरी शुड हैव वैलिड मोबाइल नंबर विद द आधार नंबर, जो उसका आधार है उसमें उसका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। कीप द फॉलोइंग बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी एंड नॉमिनी रेडली अवेलेबल वाइल यूजिंग फेनिफ, बैंक अकाउंट नंबर और उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स उसके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज एप्लीकेबल, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ बाई मेंबर, बैंक अकाउंट प्रूफ, कैंसिल चेक या पासबुक उसके पास होनी चाहिए, डेथ ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ बेनिफिशरी और भी इसमें कि रिस्ट्रिक्ट ऑन द फाइल, जो आपको जो भी अपने PDF इसमें अलाउड होगी PDF अपलोड करनी है और साइज उसकी ग्रेटर देन 2 MB होनी चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शन पहले नहीं देता था लेकिन अब PF की तरफ से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, जिससे जितने भी आपके ऑनलाइन डेथ क्लेम हो वो आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो इजीली। जो ये एक लेटेस्ट अपडेट है, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉयर को ध्यान रखना कि जितने भी आपके एम्प्लॉय वर्किंग कर रहे हैं PF में कवर हैं तो उनका सभी का नॉमिनेशन फाइल जरूर करें। अगर उसको डेथ, अगर इनकेस उसके एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके जो फैमिली को डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में जो हार्ड कॉपी होते हैं बहुत सारे फाइल फॉर्म फिल करने होते हैं, साइन करवाने पड़ते हैं, तो वो टाइम एम्प्लॉयर का भी बचेगा और एम्प्लॉय का बचेगा। तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन जाके आप फिल कर सकते हैं वो भी कुछ दिनों में। लेकिन सभी से एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट है कि सभी एम्प्लॉय का अपने इनोमिनेशन फाइल करें। इनोमिनेशन में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया कि आप इनोमिनेशन किस किस को बना सकते हो और किस किस कंडीशन में कैसे बना सकते हो, तो वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा है, वहाँ से जाके आप अपना इनोमिनेशन फाइल कर सकें। जो भी एम्प्लॉय अभी तक आपने अगर इनोमिनेशन फाइल नहीं किया तो फाइल जरूर कीजिए, क्योंकि इनोमिनेशन फाइल करने से आपके जो भी एम्प्लॉय, अगर आपको इनकेस कुछ हो जाता है तो आपकी जो भी फैमिली मेंबर है, जो भी बेनिफिशियरी है, उसको जरूर बताएं कि मैंने आपको नॉमिनेट किया, जहाँ से आपका PF का जाके आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट कर दिए गए जो आप अपना आसानी से यहाँ पे PF के साइड पे आप चेक कर सकते हैं। तो आप जो भी आपको मेंबर जैसे 10D में होता है उसके पेंशन मिल जाएगी, 20 में उसका जो PF का पैसा वो मिल जाएगा, 5IF में होता है उसका EDLI का बेनिफिट मिल जाएगा। तो तीनों फॉर्म एक साथ अप्लीकेबल होंगे, जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन पर दिखाई देगा। पहले ऐसे कोई ऑप्शन नहीं था कि कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी थे, लेकिन अब ऑनलाइन के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। तो एक एम्प्लॉय के लिए और एम्प्लॉयर के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए अब आपको एम्प्लॉयर के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी कि जो भी आपके पास करंटली वर्किंग है उन सभी का इनोमिनेशन फाइल जरूर करवाए, क्योंकि मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ। तो ज़्यादातर इस पर PF ऑफिस ने इस पर जोर भी दिया गया, इन्होंने नोटिस भी भेजे थे लेकिन वो कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया था। जो भी आप एम्प्लॉयर अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो अब सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी एम्प्लॉय का अपना इन्फॉर्मेशन फाइल करें, और जो भी एम्प्लॉय अगर वीडियो देख रहे हो तो अपना इन्फॉर्मेशन फिल जरूर करें, कि मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो जल्दी जल्दी अपना इन्फॉर्मेशन फाइल करें और अपने साथ वालों को भी फिल जरूर करवाएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगे जरूर बताइए और ये अपडेट कैसा है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।